नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार के गृह विभाग को केंद्र के गृह विभाग ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में नेपाल के रास्ते 50 कोरोना जैसे बम को भीतर किया जा रहा है। 50, आप ये कह लीजिए कि 50 लोग जो हैं वो संक्रमित लोगों को भारत में भेजने की तैयारी नेपाल से चल रही है और नेपाल में भी वो जो व्यक्ति भेजना है उसका भी नाम आ गया है, उसमें जाली मुखिया बोल के वो व्यक्ति है जो तैयारी कर रहा है 50 के करीब आसपास संक्रमित लोगों को भारत में भेजने की और भारत में ये बीमारी को फैलाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये चिट्ठी गृह विभाग को मिली है, गृह विभाग ने तुरंत बेतिया के डीएम को अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि एसएसबी ने भी ये चिट्ठी बेतिया के डीएम को इन्होंने 7/4 को ही लिख दी थी। 7 अप्रैल को ही उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी बेतिया के डीएम को कि ऐसी ऐसी सूचना मिल रही है कि नेपाल के रास्ते भारत में करीब 40 से 50 लोगों को अनाधिकृत प्रवेश कराया जाए जो कि कोरोना से संक्रमित है। अब आप ये समझ सकते हैं कि नेपाल के रास्ते ये क्या साजिश चल रही है। आज गुप्तेश्वर पांडे भारत बिहार के जो डीजीपी हैं उनका एक बयान आया है कि नहीं, ऐसे किसी भी साजिश को हम नाकाम कर देंगे और हमारी पूरी नजर बनी हुई है और इस मामले में बेतिया के डीएम को हमने अलर्ट पे कर दिया है। क्या कुछ कहा है डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे ने, आपको सुनवा देते हैं। मचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चिट्ठी वेरीफाइड नहीं, एसएसबी के इंटेलिजेंस विंग ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसने बेतिया के डीएमएसपी को ये कहा था कि नेपाल साइड से 50 ऐसे लोग प्रवेश करने वाले हैं जो कोरोना के मरीज हो सकते हैं या कोरोना कैरियर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। उसी समय ये एसएसबी ने बताया था इंटेलिजेंस एजेंसी को भी, सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया था, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो लोग भारत में प्रवेश किए। मरकज के लोगों को लेकर के खास करके पूरे देश में अलर्ट है, ये है, कई बार मैं बता चुका हूँ, कई बार ये इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि जितने लोगों के हमारे पास सूची थी सबको चिन्हित किया गया। हमारे पास पहली सूची आई 86, उसमें तो एक ही आदमी बिहार में। दूसरी सूची आई हमारे पास 56 विदेशियों, सिर्फ 10 हमारे यहाँ हैं, बाकी यहाँ है ही नहीं, बाहर हैं और सब क्वारंटाइन है। 86 में जो एक आया वो भी क्वारंटाइन है। तीसरी सूची आई 77 ओनली 7 पर्संस की, वो फिरोजाबाद में यूपी में क्वारंटाइन है, वो बिहार आए ही नहीं। चौथी सूची आई 2 आदमी की, वो 2 आदमी से एक आदमी झारखंड में, एक हमारे यहाँ ऑलरेडी क्वारंटाइन है बहुत लंबे समय से, तो उसमें तो हुआ नहीं कुछ। इसके अलावा हम लोगों को डाटा डंप एनालिसिस से कुछ नंबर आए 394+13, उसमें से 330 से ऊपर तो दिल्ली ही में है, बाकी 49 झारखंड के थे, तो उसमें चंद लोग हैं जो यहाँ बिहार में 15-20 आदमी और सब क्वारंटाइन है। तो र्यूमर मॉन्गरिंग भी बहुत ज्यादा, र्यूमर मॉन्गरिंग ही ज्यादा हो रहा है, और र्यूमर मॉन्गरिंग जो करते हैं, जो प्रोवोकेटिव मैसेजेज भेजते हैं या जो फेक मैसेजेज व्हाट्सएप पर भेजते हैं, ऐसे लोगों पर हमारी नजर है। 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जो केस भी हो गया, 20 से अधिक इस तरह के मामले मुकदमे भी हो चुके हैं, एडीजेड कोर्ट साहब बता रहे हैं। तो हम लोगों की उस पर पैनी नजर है कि जो भी 2 संप्रदायों में किसी तरह का उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनके साथ तो कोई मरवत करने का सवाल ही नहीं। बिहार तो ये सांप्रदायिक सद्भाव की भूमि है, यहाँ इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त ही नहीं होगी, हिंदुओं चाहे मुसलमान दोनों को ये कान खोद कर सुन लेने चाहिए। आपकी फोर्स रात दिन सड़कों पर है लॉकडाउन को इन्फोर्स कर। दूसरी बात, बिहार सरकार के गृह सचिव आमिर सुब्बानी ने कहा कि एकदम अलर्ट पे सीमावर्ती जिले, नेपाल से सीमावर्ती जिले कर दिए गए हैं, जिसपे कि जो भारत से सीमा जुड़ती है नेपाल की वहाँ एक जिला है परसा, जहाँ की जालिम मुखिया वहाँ से सुनने में ही आ रहा है। उन्होंने भी ये कहा है कि सुनने में आ रहा है और इसकी सबकी जाँच कराई जाएगी। सर, एसएसबी ने एक पत्र लिखा था और बताया है कि नेपाल से 30-40 लोग इंडिया की सीमा में घुसे हैं, उस बारे में क्या कुछ जानकारी है? उस पत्र में ऐसा नहीं है कि लोग घुसे हैं, घुसने की संभावना बताई गई है। जी, संभावना पर हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है, एसएसबी को भी कहा है चौकसी रखें और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी बता दिया गया है, सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना ना हो। सर, डीएम की जो चिट्ठी है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये एक तरीके से साजिश की जा रही है, उनकी चिट्ठी में लिखा हुआ है, साजिश की भी जांच की जाएगी
किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कोई जाली मुखिया का नाम मुखिया का नाम है उसमें जाली, हर एक चीज़ की जांच होगी, अनुसंधान होगा जो भी है। और जो नेपाल वाला मैटर है वो नेपाल में है, लेकिन हम लोग अपनी ओर से सतर्क रहेंगे, अपनी सीमा में किसी को नहीं घुसने देंगे। सर मरकज वाले मामले में गृह सचिव सुब्बानी का यही कहना था कि सबकी जांच कराई जाएगी और ये जांच का विषय है कि ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन बिहार की पुलिस और एसएसबी पूरी तरीके से अलर्ट पर है और ऐसी किसी भी गतिविधि को हम नाकाम कर देंगे। तो ये रही अभी तक की खबर जो छनछन के आ रही थी, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई। नेशन भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।